तो गाइस जो मैंने बेसन घोल दिया है और मैं इसके बनाऊंगी चिल्ले और फिर रायता बनाऊंगी, ठीक है। जो मैंने यहीं पे आके सीखा था कि जो बेसन का चिल्ला बना कर उसके रायता बना लो। और यो मेरा चिल्ला बन लग रहा है। मैंने साइड में घी डाल दिया है। वैसे तो सरसों के तेल के बढ़िया लग है, पर मैंने सोची कि घी के ही बना लूँ मैं। तो गाइज मैं दिखा के आई हूँ जाफरपुर, जो मेरी रिपोर्ट थी, क्योंकि जाफरपुर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो मुझे किसी ने बोला कि भाई पहले तू एक बार दूसरे डॉक्टर से कंफर्म कर ले कि भाई जो ये इलाज कर रही है वो ठीक भी है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं ये पैसे बढ़ाने के चक्कर में ये टेस्ट वो टेस्ट और ये ऑपरेशन बोल देते हैं, फलाना बोल देते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं जाफरपुर हॉस्पिटल चल जाऊँ। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि ये लगा लो कि एक तो सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा लगता है जैसे स्मेल सी आ रही हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फिर मैंने मतलब लाइन में लगी थी, काफ़ी साल बाद गई थी, मेरे बच्चे छोटे थे जब मैं जाफरपुर जाती थी, क्योंकि मेरा वहीं से मतलब इलाज हुआ था, जो भी पर्ची वर्ची बनती है जो टेस्ट वगैरह होते हैं। उसके बाद मैं अब गई हूँ जाफरपुर, ठीक है। तो ये लगा लो कि इतनी भीड़ थी और ये भी नहीं पता रहता कि कहाँ पे क्या है, कौन से डॉक्टर बैठते हैं, पहले सब कुछ पता रहता था, जाते रहते थे, ठीक है। तो फिर मैं दूसरे वार्ड में गई, वहाँ पे जानकार मिल गई एक कि भाई मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, मैं आपकी टिकटॉक से फ़ैन हूँ, ये हूँ। उसने फ़ोटो वाटो खींचे, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, मैंने ब्लॉग ब्लॉग कुछ नहीं बनाया। और ईब मैंने वैशाली तय फ़ोन करके कही है, वैशाली दो कप चाय बना ला, मैं बस में हूँ और बस स्टैंड पर उतरने वाली हूँ और नीचे लिए ये चाय बना के। तो सुनो बोली ठीक है, अब मेरी चाय आ रही है, क्योंकि चाय के मेरा हुड़ी हुड़ी सी मच रही थी बहुत बूढ़ी, तो अब मैं चाय पीऊँगी। क्योंकि सुबह मैंने बनाए थे चिल्ले, कुछ चिल्ले खा गई थी, सूजी के बनाए थे और बेसन के बनाए थे। हाय राम, किस तरह टेढ़ा टेढ़ा देखा जाना खागा मैंने। और गाइज यो आज छुट्टी मार रहा है, ठीक से, और मैं कह दूँ ना जिस दिन के छुट्टी कर ले उस दिन कभी छुट्टी नहीं करेगा। आज देख अपनी मर्जी से छुट्टी कर ली, ना दो गई सब अंटा सा बैठ गया। टाइम पर रोटी ना, टाइम पर रोटी क्यों ना, सब कुछ था, आए थे टाइम पे, बकवास मत करो। प्रेस कर रखी थी ना, लता वा प्रेस के कर रखी है। अच्छा अपना का गाड़ गाड़ सारी से वो भर रहा की टंडी करवा लाया करो। मैं तो अपनी हमेटरी करवा के लाऊंगा, देखा हूं मैं पर आज करवा ही लाऊं। सही कह रहा है, हां खत्म। अरे किसने सांड ने देख लो, यो किसी ऐस मार रहा है। अरे यो मन ने देख लो। और जब मैं स्टैंड पर खड़ी थी ना, ये लगा लो धूप इतनी तेज छाया में खड़ी थी, फिर भी मेरी आँख नहीं खुल रही थी। बेरा ना सारा दिन एसी में रहा है, इस वजह से हमने गर्मी बत्ती लग गए हैं, ठीक, पसीने आ रहे थे। और मैं करूँ मैं ये इतनी दुनिया खड़ी है, इन्हें क्यों ना पसीना आ रहा, मेरे मुझे ही इतना पसीना क्यों आ रहा है। शायद मैंने इसे लगा है कि एसी तो ही हुआ है यू गड़बड़ है ना। पहले कूलर था हमारे 5 फुट का कूलर था, वो सबसे बढ़िया था ना, तो उसमें कुछ इतनी गर्मी, टेम्परेचर भी सही रहा करता, हम बाहर जाया करते, घर में रहा करते। और ये बाहर निकलते ही मेरा ऐसा ही हो जा, होंकनी सी जना, मेरा सांस ना आ रहा। तो गाइज मैंने बनाए आज करेले, जो तड़के बनाए हैं, मैं वो रेसिपी आपको दिखा नहीं पाई। और सूखा धनिया हमारा ख़त्म हो रहा था, इसलिए थोड़ा सा मसाला कम लग रहा है। सिर्फ इसमें हल्दी, हरी मिर्च और राई, अजवाइन, जीरा, हींग, सिर्फ ये डाला है मैंने। और जो एक्स्ट्रा तेल था वो मैंने इसमें निकाल दिया था। तो गाइस मम्मी ने आज जड़े खाट डा दी, काम इतना बढ़िया करा, क्योंकि गली में येड़े से जाए करते ना, सब देखा करते है ना, इस ना अड़े रहने दी, अड़े ठीक है ना, किसे बने रे करेले स्वाद को ना बढ़िया। आप क्या आता है मेरे ना, आजकल हो के रहा है मेरे समझ में नहीं। आप यूँ ना है वो, एक तो धनिया भी ना था, ठीक है। मन में कुछ विचार होते हैं तो हम उदास से रहते हैं, और हमारी जब मन की भड़ास निकल जाती है तो हम बहुत खुश रहते हैं। जैसे कि मैं अब मैं बहुत खुश हूँ,
ठीक है, मुझे अब मतलब जब तक मेरी भड़ास ना निकल लेना, मैं यूँ रहती हूँ उदास उदास सी, ठीक है। और अब निकल चुकी है मेरी भड़ास, यूँ क्यों हो रहा है कि सब हो गए हो, बारिश आ गई है, झाड़ू ना दिखती तो नहीं, झाड़ू धर ले भीतर हैं, मैं क्या करूँ फिर, मैं पढ़ दूँ, मैं देने जाऊँ पेपर, यूँ किस आ रहा है। अच्छा ही वाह होगा सही। तो गाइज इन दिनों में बारिश कती ना होया करती, लेकिन ई भी सा मौसम हो रहा है। साज ने एक बोतल धरी थी, उस बोतल पर इसी ओस पड़ रही थी जिन्हें जड्डा में पड़ा कर रहा है, ठीक से। अरे बहुत तो बढ़िया मौसम हो रहा है, पंखे ने पंखा चलावे जब भी जड्डा लग गया है। जादू आज ड्यूटी पे जाएगा, चले जा तो अच्छा है ना, और डोली कूद गए वो ऊपर तो पड़वाई ली, पता है पढ़ाई तो पूरी कर ला ना। ईब तू कैमरे के आगे इतना राजी राजी रहवे है, जैसे तू असलियत में रहवे तो तेरा की मैं हो जा असलियत में। हैं ले दिखा नहीं, ये देख तेरे कुत्ते ने क्या हाल करेगा, खा खत्म गिर दो तुम, क्या होगा कुत्ता सा है, कुत्ता तो करेगा, ये मीठा दे देगा तुमने, इसके सारे फुंजी फुंजी कर दी इसके, हैं तुमने कितना दिखता वो दुख पावा है, दुख पावा है, इतना ज्ञानी ना सर, हां ज्ञानी ना सीना कौन सी क्रीम, हां भाई वो मेरा पिंपल सेल निकल रहे थे और को वफानी का कंपनी करीम मंगा दी, हां मंगा दी, दो दिन पीछे ले लीजिए, फिर लगाओगे न्यू कर के बूटा की पूरे चेहरे पे हेडमास्टर नहीं बनेगी, फिर टाटा फिश हो जाए फिर इसकी देख सकते हो आप ब्लॉग एडिट कर रही थी, ब्लॉग डाल देती हूँ, तो मम्मी ने कल क्या किया, कल हमारा ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि मम्मी ने जो मैंने परसों ब्लॉग एडिट किया था ना वो दोबारा एडिट कर दिया, और फिर मुझे कह रही है ये तो मैंने तूने डाल दिया तो मैंने दोबारा एडिट कर दिया। हंसो 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 हंस हंस तू भी हंस ना, हंसू ना हंस, अगर ये बात है